एस बैंक के अड़चनों का असर नागपुर महानगर पालिका पर भी दिख रहा है। 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि बैंक में फंसी होने की जानकारी मिली है। एस बैंक के अड़चनों में आने का असर नागपुर महानगर पालिका पर भी दिख रहा है। 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि बैंक में फंसी होने की खबर है। आर्थिक तंगी से जूझ रही नागपुर मनपा के पैसे फंसने से प्रशासन भी सख्ते में है। हालांकि इस मुद्दे पर मनपा, वित्त विभाग व अन्य किसी विभाग का अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। स्थायी समिति अध्यक्ष पिट्टू झलके से जब इस संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने स्वीकारा कि 96 करोड़ रुपए एस बैंक में फंसे होने की खबर मिली है, लेकिन किस पद की निधि बैंक में फंसी है इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। वित्त विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोन 1 से 5 तक में रोजाना जमा होने वाले संपत्ति कर के कलेक्शन का जिम्मा यस बैंक के पास था। 1 मार्च तक बैंक की तरफ से नियमित संकलित राशि जमा कराई गई, लेकिन 2 से 5 मार्च के बीच संकलित 2,66,00,000 रुपए की राशि मनपा की तरफ से अधिकृत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में जमा नहीं कराई गई। 6 मार्च को बैंक की तरफ से कुछ भी राशि संकलित नहीं की गई। 7 मार्च से संबंधित जोन से कैश कलेक्शन का जिम्मा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को दे दिया गया। वित्त विभाग ने कुछ वर्षों पहले इस बैंक को जोन में जमा संपत्ति के कैश कलेक्शन को संकलित कर 4th दिन मनपा के खाते में जमा कराने का काम दिया था। जब तक रिजर्व बैंक की तरफ से बैंक पर पाबंदी नहीं लगाई गई थी तब तक स्थितियां सामान्य थी। बाजार और विज्ञापन की विभाग की भी कुछ राशि बैंक में फंसे होने की खबर है। वही वर्ष 2016 से 17 में दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री फंड से 96 करोड़ रुपए कुछ विशेष काम के लिए जारी किए गए थे। इसके लिए एस बैंक में अलग अलग खाते खोले गए थे। संबंधित मद में काम शुरू नहीं होने की स्थिति में यह राशि भी बैंक खाते में बिना खर्च के पड़े होने की खबर है। अगर समय पर यह राशि खर्च हो जाती तो मनपा अड़चन में नहीं आती। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।